गाइस वेलकम टू माय अदर वीडियो। मैं कहता था खैरियत से होंगे। लो जी आज आपको बताने लगा जी कल्टस 2006-07 मॉडल है और जिनकी एवरेज बहुत खराब है तो वो ये काम करवाएं उनकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। तो आइए ये देखिए कार्पोरेटर सबसे पहले खुलवाना है। ये भाई खोले हमारा कार्पोरेटर, ये कार्पोरेटर खोल के फिर आपको आगे बताते हैं कि इसमें क्या चीजें लगेंगी और किससे आपकी एवरेज अच्छी हो सकेगी। मैंने अभी कार्बोरेट खोल लिया है तो अब इसको वर्कशॉप पे जाके चेक करेंगे और साथ साथ ब्लॉग हमारा स्टार्ट है। हाँ जी ले जी ये कार्बोरेट की हालत आप देख सकते हैं कि इसकी एक बटरफ्लाई भाई कहते चल रही है और दूसरी ये वर्किंग नहीं कर रही। तो अभी इसको खोलेंगे और क्या क्या करेंगे साथ साथ आपको दिखा दें। जी एक बटरफ्लाई का इसका मसला है, बटरफ्लाई जो है हम उसकी चेंज करवा रहे हैं, वो खिलाड़ी को भिजवा दी है। बाकी भाई अब कर रहे हैं सर्विस। इसमें भाई ने बताया कि पेट्रोल जेट जो है वो इसके बर्डल में, इसके अपने नहीं है, अपने नहीं है इसके। देखिए जी ये इस पर आप देख सकते हैं किसी ने कारीगरी पहले की है, ये टेप लगा के इसको लगाया हुआ था। तो जब आप गाड़ी लें तो ये भी चेक कर लेंगे कार्पोरेटर जब खुलवाएं। ये देखिए टेप भाई ने उतारी है इसके ऊपर से, चूड़ी के ऊपर टेप लगा के दो अंदर लगाया हुआ जिसकी वजह से गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पी रही थी। ये होते हैं पेट्रोल के जेट जो अभी मेरी गाड़ी में लगे थे, वो 110 साइज था और एक 153 था जो कि इसमें डलता है 0.90। ठीक है, तो जिसकी वजह से पेट्रोल की एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ब्लैक धुआं भी गाड़ी बहुत मार रही थी। और ये सारा चेंज करवाया है, कुछ और चीज़ें इसकी हैं वो भी चेंज करके कार्पोरेटर में फिर इसको फिक्स करेंगे। तो फिर आके देखते हैं कि क्या हमारे साथ करता है। ये इसका निडल वाल एक ये ख़राब है, ये न्यू डल रहा है। ठीक है, ये जैन किट है और ये चीज़ें इसकी कार्पोरेटर के अंदर से चेंज हो रही हैं। और जो बटरफ्लाई है वो हमने खराबी को दे दिया है, जो खराबी उसको सेट करके देगा। तो जब आता सामान और रेडी होता है फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये कार्पोरेटर आप देख सकते हैं पूरा हमारा फ्रेश कर दिया भाई ने। ठीक है, वो बटरफ्लाई भी डाली है, ये देखिए कौन सी वाली बटरफ्लाई डाली, न्यू ये वाली बटरफ्लाई भी न्यू डल गई। और अब इसको फिट करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी क्या हमारे साथ करती है। भाई अब कर रहे हैं पेट्रोल की सेटिंग। ले जी बिस्मिल्लाह, ट्राई हम लेने लगे गाड़ी की अब तो चलिए जी। आरपीएम अभी पहले गियर में 2 से ऊपर चलाया था। अब आप देख सकते हैं ये अली भाई कारपोरेशन कारपोरेटर वाले हैं, ये मैंने इनसे काम करवा ली, गाड़ी बहुत अच्छी हो गई मेरी। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आए, इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और अभी चलते हैं गाड़ी की कुछ भी ट्राई लेता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। तो ये अली भाई थे, ठीक है, अली भाई की दुकान है, ये गुलबाग बेगम है मजंग वाली साइड पे, यहाँ पे आपको मिलेगी, इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। बहुत ही देखिए मेरी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है और आरपीएम का भी मसला ठीक हो गया है इनशाला। मुझे लग रहा है कि जो एवरेज है वो भी एवरेज बहुत गंदी हो गई थी, तकरीबन 5-6 तक जा रही थी। तो अभी मजीद चलाऊंगा और इसकी एवरेज भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अल्लाह हाफिज।